गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है इस चैनल पे अपने कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए बिकॉज आपको मिल सकता है जीतने का मौका एक ब्रांड न्यू कैसियो वॉच डैट इज़ गोल्डन इन कलर सो अगर आप मरीनर हैं और चाहते हैं कि काम करते हुए कोई ऐसी घड़ी पहने कि जिसको कुछ ना हो तो डैट इज़ दिस वॉच एंड अगर आप नहीं भी हैं तो तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज़ आर गिविंग फ्री गिफ्ट्स एंड सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए एंड नीचे कमेंट्स में आप एंट्री लिखिए सो मैं चूज करूंगा एट द मंथ एंड जितने भी लकी विनर्स होंगे दे वुड बी गेटिंग अ ब्रांड न्यू कैसी वॉच तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हो बाकी जो मर्जी पर गाल तो आज की आपने स्पेशल अनाउंसमेंट तो सुन ही ली होगी सो मरीनर्स वेलकम टू माई चैनल एंड आई होप यू आर फिट एंड फाइन सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डेट इज लेक्चर फोर ऑन पॉइलर सेफ्टी वॉल ऑलरेडी हम लोग लेक्चर टू एंड थ्री में पढ़ चुके हैं बॉयलर माउंटिंग्स के बारे में एंड बॉयलर माउंटिंग्स के अंदर गेज क्लास के बारे में इनोवा लेक्चर थ्री अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक कीजिए एंड ज़रूर देखिए सो फ्रेंड्स लेट स्टार्ट विदा लेक्चर फोर ऑन बॉयलर सेफ्टी वॉल फ्रेंड्स इससे पहले कि हम सेफ्टी वॉल के बारे में और पढ़ें हम सेफ्टी वॉल के बारे में तीन रूल्स हैं जो उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं पहले तो जो पहला रूल है डैट इज़ थ्री परसेंट रूल फर्स्ट थिंग सेफ्टी वॉल को देख के हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि सेफ्टी वॉल ठीक है बना दिया है बॉयलर के ऊपर लगा दिया है बॉयलर को ओवर प्रेशर होने से बचाएगा बट कितना ओवर प्रेशर होने से बचाएगा क्या वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे बॉयलर सेफ्टी वॉल लिफ्ट करेगा सो so यहाँ पे अगर आपको वो पॉइंट कैलकुलेट करना है कि आपकी बॉयलर सेफ्टी वॉल की क्या सेटिंग होनी चाहिए जिसके ऊपर वो लिफ्ट करे तो वो सेटिंग होती है थ्री ऑफ डिज़ाइन प्रेशर अगर इसका बॉयलर का डिज़ाइन प्रेशर 10 बार है तो वो 10.3 बार पे सेफ्टी वॉल लिफ्ट होना चाहिए आई होप आपको समझ आ गया हो सेकेंड रूल जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ठीक है ये लिफ्ट होगा बट ये कितना लिफ्ट होगा ओके okay? पूरा लिफ्ट हो जाएगा इतना लिफ्ट होगा इतना लिफ्ट होगा इतना लिफ्ट होगा, इतना लिफ्ट होगा कितना बड़ा सेफ्टी वॉल बनाएंगे हम लोग तो उसके रूल के हिसाब से अगर हम उस रूल के हिसाब से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं लेट सपोज़ ये सेफ़्टी वॉल है मैं अभी बेसिक सा बता रहा हूँ आपको यहाँ से स्टीम इन करती है एंड यहाँ से स्टीम ये वॉल को ऊपर उठाता है स्प्रिंग कंप्रेस होता है एंड स्टीम यहाँ से बाहर आ जाती है आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा सो so ये जो डिस्टेंस है अगर मैं इसको डी नाम दे दूँ तो जो हमारा वॉल लेड है ऊपर का ये वन बाय फोर्थ ऑफ डी लिफ्ट होगा और मिनिमम इतना लिफ्ट होना चाहिए ओके okay? तो so, उसी के अकॉर्डिंग ये जो स्पेस है ऊपर आप देख रहे हैं जितनी स्पेस चाहिए लिफ्ट होने के लिए ये जो मिनिमम है ये वन बाय फोर्थ ऑफ डी होनी ही चाहिए ये था हमारा सेकेंड रूल थर्ड रूल है डैट इज कॉल्ड टेन परसेंट ऑफ प्रेशर कि जिस पॉइंट पे अगर मान लो टेन बार पे सेफ्टी वॉल लिफ्ट होता है तो सेफ्टी वॉल फुली लिफ्टेड कंडीशन में बॉयलर का जो प्रेशर होता है वो टेन परसेंट से ज़्यादा राइज नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में सपोज़ बॉयलर प्रे... ये जो सेफ्टी वॉल है ये टेन बार पे लिफ्ट हो रहा है तो सेम टाइम ये लिफ्टेड भी है एंड बॉयलर का प्रेशर ग्यारह बार से राइज भी कर रहा है सो ये डिज़ाइन को हम निगलेक्ट कर देंगे बॉयलर सेफ्टी वॉल के और हम कोई दूसरा डिज़ाइन लेकर आएंगे सो so, इसके अकॉर्डिंग हम लोग तो जज करते हैं कि किस टाइप का सेफ्टी वॉल उस टाइप के बॉयलर में फिट रहेगा और कितना बड़ा सेफ्टी वॉल लगाना है कितना छोटा सेफ्टी वॉल लगाना है सो so, फ्रेंड्स ये तो हो गया सेफ्टी वॉल के बारे में अब हम पढ़ते हैं अब फर्स्ट टाइप ऑफ सेफ्टी वॉल डैट इज़ इम्प्रूव्ड हाई लिफ्ट सेफ्टी वॉल इम्प्रूव्ड हाई लिफ्ट सेफ्टी वॉल की ड्राॅइंग मैं यहाँ पर ऑलरेडी बना चुका हूँ तो ज़्यादा बिल्कुल भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है समझने में बहुत आसानी होगी वो तीन रूल को हमने ऑलरेडी पढ़ लुका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सर्वेयर आपको उसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है सो so, आप उसको डिटेल में जानिए तो बहुत बेटर रहेगा तो अभी ये है हमारा इम्प्रूवड लिफ्ट सेफ्टी वॉल इसके पहले पार्ट्स के हम लोग मार्किंग कर लेते हैं एक एक पार्ट को जान लेते हैं कि कौन सा पार्ट कौन सा है सो so, फर्स्ट आप ये देख रहे हो इसको बोलते हैं इजिंग लीवर लीवर। फिर आ जाता है ये दिस इज कॉम्प्रेशन नट कॉम्प्रेशन नट का काम होता है ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना और इसको रिलीज करना इसको अगर आप टाइट करते हैं और स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो हम इसका ओपनिंग प्रेशर चेंज कर सकते हैं कि किस प्रेशर पे मेरा सेफ्टी वॉल ओपन होगा वो चेंज होता है कंप्रेशन नट की वजह से कंप्रेशन नट और ये जो है इसको बोलते हैं अपर कैरियर प्लेट जो स्प्रिंग के ऊपर लगी हुई है कंप्रेशन नट एंड अपर कैरियर प्लेट के बीच में जो इन दोनों का गैप बना के रखता है डैट इज कोल्ड कंप्रेशन रिंग दिस इज अपर कैरियर प्लेट दिस इज लोअर कैरियर प्लेट लोअर सीपी लिख देते हैं शॉर्ट में एंड इन दोनों के बीच में जो है इज स्प्रिंग फिर आप ये यह यहां पे एक डिजाइन देख रहे हैं दिस वन इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिंग ये है हमारा वॉल्वलेट एंड ये है हमारी ऑफकोर्स वॉल सीट ये दोनों चीजें जो है ये हर नॉर्मल कॉमन से वॉल में होती ही होती हैं ये है हमारी वॉल की बॉडी और कुछ रह गया है एंड यस वेरी इंपॉर्टेंट दिस दिस इज एग्जॉस्टिंग पिस्टन स्टीम पिस्टन अब फ्रेंड्स ये सारे पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया है अब लेट्स सी इसकी वर्किंग कैसे होती है सो so, वर्किंग के लिए ये जो सेफ्टी वॉल है बॉयलर के ऊपर माउंट किया गया है बॉयलर के ऊपर दो सेफ्टी वॉल्स रहते हैं दोनों सेफ्टी वॉल जो हैं, वो एक ही चेस्ट से लगे हो सकते हैं दोनों अलग अलग चेस्ट से भी लगे हो सकते हैं ओके सो स्टीम यहां से नीचे से आती है एंड ये जो स्टीम है <coughs> मान लो यहां पे जो प्रेशर है डेट इज टेन बार ऑफ स्टीम ओके

वंस वॉल्व इज लिफ्टेड अ ल लिटल बिट थोड़ा सा वॉल्व अगर उठ जाएगा तो स्टीम जो है वो यहां से स्केप करने की कोशिश करेगी देख रहे हैं ये दिस एरिया यहां से स्केप करने की कोशिश करेगी एंड हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इन टू एरिया अब हमारे पास यहां पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट था टेन बार का एंड जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाएगा जैसे ही ये थोड़ा सा लिफ्ट होता है तो एरिया यहाँ पे अब अभी इतने एरिया में एक्ट कर रहा था जैसे उठा अब इतने एरिया पे एक्ट कर रहा है तो दिस हेल्प्स इन स्विफ्ट ओपनिंग एकदम से उठने में हेल्प करता है सेफ्टी वॉल को बिकॉज आप अब जो प्रेशर है वो थोड़े ज़्यादा एरिया पे लग रहा है तो जो फोर्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगी हमारी सो दिस इज़ हाउ द सेफ्टी वॉलिफ्ट अब यहां से सेफ्टी वॉल उठ गया है एंड स्टीम इज गोइंग आउट वंस द स्टीम इज गोइंग आउट सो दे वुड बी सम अमाउंट ऑफ ब्रैक बैक प्रेसर डैट विल एक्ट इन साइड द वॉल दिस एरिया बिकॉज बिकॉज स्टीम जो है फ्लोरेट उसका ज्यादा है बहुत स्पीड से जा रही है ओके okay. एंड यहां पर एक्ट करेगी एंड इट विल एक्ट डाउन साइड ऑफ द एग्जॉस्टिंग पिस्टन अब जैसे ही यहाँ पर नीचे एक्ट करेगी तो ये एग्जॉस्टिंग पिस्टन को भी लिफ्ट करने की कोशिश करेगी सो विद डैट इसका जो लिफ्ट है वो इनक्रीज हो जाएगा और ज़्यादा सो डैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड इम्प्रूव्ड हाई लिफ्ट सेफ्टी वॉल अब पहले क्या होता था पहले आ, ये जो लोअर कैरियर प्लेट है ये स्टक हो जाती थी यहाँ पर हमारे फ्लोटिंग रिंग में सो so, लेटर इन्होंने डिज़ाइन में चेंजेस किए कि फ्लोटिंग रिंग को भी इन्होंने फ्री कर दिया सो डैट कि अगर स्टक भी होता है तो फ्लोटिंग रिंग को साथ लेकर उठेगा सो डैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड फ्लोटिंग रिंग ओके अभी हमने एग्जॉस्टिंग पिस्टन का, का काम देख लिया वॉल्ड का देख लिया ओपनिंग कैसे हो रही है वो देख लिया अब वॉल जब सीट होगा तो वॉल वापस सीट होगा तो ये अगर टेन बार पे उठा है तो वॉल विल नॉट सीट बैक एट टेन बार रिलीफ तो वॉल जो होता है वो अगर टेन बार उठ रहा है तो वो टेन बार पे ही बैठेगा एंड सेफ्टी वॉल में क्या होता है कि वो अगर टेन बार पे उठ रहा है तो वो उससे कम प्रेशर पर बैठेगा नाइन पॉइंट फाइव बार पे नाइन बार पे ऐसे बैठेगा ओके okay? एंड क्यों हम लोग ऐसा करते हैं कि वो ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि वो नाइन बार या नाइन पॉइंट फाइव बार पे बैठे इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ी देर बाद दूंगा आपको पहले मैं एक्सप्लेन ये कर दूं कि ये अगर टेन बार पे उठ रहा है तो नाइन पॉइंट फाइव बार पे कैसे बैठेगा सो so, ये टेन बार पे उठ रहा है आपको पता लग गया बिकॉज यहाँ पे इस एरिया में फोर्स एक्ट हो रही है कुछ ओके एंड यहाँ पर सेम प्रेशर एक्ट हो रहा है एंड एरिया एक्ट हो रहा है तो जैसे ये इस एरिया पे एक्ट होती है प्रेशर तो हमारा जो फ़ोर्स की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है ओके सेम केस बैठते हुए भी जब टेन बार प्रेशर इस पर एक्ट होगा तो अब टेन बार प्रेशर जो है वो पूरे एरिया पे एक्ट हो रहा है तो उस टाइम पे टेन बार प्रेशर है यहाँ पे एरिया भी ज़्यादा है तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा रहेगी ओके okay, एंड अब हमें ये फोर्स उस फोर्स के इक्वेलेंट लेकर आनी थी जिस टाइम पे उठा था उस जिस टाइम पे उठा था तो उस टाइम पे टेन बार प्रेशर था जो कि इस स्मॉल एरिया पे ही लग रहा है ओके okay, तो डेफिनेटली फोर्स की वैल्यू जिस टाइम पे उठा हुआ है उस टाइम से कम होगी तो धीरे धीरे करके जब प्रेशर नाइन पॉइंट फाइव बार आ जाएगा एंड एरिया अभी भी ज़्यादा है तो उस टाइम पर जो फोर्स है वो हमारे इक्वेलेंट आ जाएगी जिस फोर्स पे ये उठा था ओके okay? इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है हो सकता है मैं वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूं। ओके आई होप आपको समझ आ रहा होगा सो so, अब हम उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि ये दस बार पे अगर उठ रहा है तो दस पे ही क्यों बैठ रहा है तो उसका आंसर ये है कि अगर दस पे उठ रहा है और फिर वापस दस पे बैठ रहा है तो उसको लगेगा कि अभी दस पे बैठ गया हूँ तो दोबारा दस पे उठना भी है तो दस पे फिर उठ जाएगा फिर दस पे उसको लगेगा बैठना है तो दस पे फिर बैठ जाएगा इस इफेक्ट को बोलते हैं शैटरिंग इफेक्ट जिसमें वॉल लिड और वॉल सीट बहुत ज़ोर जोर से एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करती है एंड ठक 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 की साउंड आती है हमें वॉल सेफ्ट सेफ्टी वॉल में से सो एट दैट टाइम हमारी वॉल सीट डैमेज हो सकती है हमारी वॉल डैमेज हो सकती है एंड सेफ्टी वॉल को खोलना इज़ नॉट एन ईजी जॉब सो हमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी अपनी लो रखनी है तो उस इफ़ेक्ट को हम रोकने के लिए हम लोग इसको लो प्रेशर पे बिठाते हैं सो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि जिस प्रेशर पे उठ रहा है उससे कम प्रेशर पे कैसे बैठ रहा है सपोज यहाँ पे हमारी फोर्स है ये इनिशियल हम देख लेते हैं जब सेफ्टी वॉल हमारा अपनी पोजिशन में बैठा होता है तो फो जो हमारा फोर्स जो हमारा प्रेशर लग रहा है वो सिर्फ इतने एरिया के ऊपर लग रहा है सो so प्रेशर हम ले लेते हैं टेन बार जो कि इतने एरिया पे लग रहा है और इस पर हम लिफ्ट करवा रहे हैं इन जो कि हमारा ये जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इन एरिया तो जो हमारा एरिया लग रहा है वो यहाँ पे ए लग रहा है लेट सपोज ओके अभी क्या होगा यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो टेन ए का फोर्स यहाँ नीचे से एक्ट करेगा यहाँ तक सबको क्लियर है अब जब वॉल लिफ्टेड पोजीशन में है तो यहाँ पे फोर्स लग रही है प्रेशर जो है वो अभी भी टेन बार ही लग रहा है बट जो एरिया है वो अब ये और यहाँ पे सारे पे लग रहा है हमारा टेन बार का प्रेशर सो यहाँ पे एरिया लेट्स सपोज ये हमारी कैलकुलेशन के लिए और समझाने के लिए कि लेट सपोज ये जो एरिया है ये डबल है इसके ओके सो यहाँ पे एरिया जो है वो टू ए हो जाता है ओके okay. तो so, अब जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है हमारा ट्वेंटी ए अब जब बैठना है इसको तो दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स तभी वो बैठेगा तो धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके यहाँ पे इसका बॉयलर का प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाएगा लेट सपोज बॉयलर का प्रेशर जो है अब धीरे धीरे करके फाइव बार हो गया है जैसे टेन होगा फिर नाइन होगा फिर एट होगा सेवन होगा ऐसे धीरे धीरे बॉयलर का प्रेशर रिड्यूस होगा तो एक टाइम पे आके फाइव बार हो जाएगा प्रेशर और यहाँ पे ये जो लग रहा है वो टू ए एरिया पे लग रहा है ओके टू एरिया के ऊपर लग रहा है तो अब जाके जो फोर्स है वो टेन ए होगा डैट इज इक्वल टू आवर इनिशियल फोर्स सो इस टाइम पे जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब ये वहाँ के वापस वॉलेड है वापस आके बैठ जाएंगे ओके फ्रेंड्स लेट स्टार्ट विद द सेकेंड टाइप ऑफ सेफ्टी वॉल डैट इज फुल लिफ्ट सेफ्टी वॉल सो कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे आधी कंस्ट्रक्शन सेम रहेगी इजिंग गेयर उसमें भी रहेगा कंप्रेशन नट उसमें भी रहेगा टू एडजस्ट दी ब्लो ऑफ प्रेशर और एट द प्रेशर ऑन विच द सेफ्टी वॉल्व विल ओपन अपर कैरियर स्प्रिंग रहेगा स्प्रिंग रहेगा बॉटम कैरियर प्लेट रहेगा एंड यहाँ पे वेंट सेम रहेगा कंप्रेशन रिंग रहेगी एंड दिस इज सेम जो चेंज होगा वो यहाँ से नीचे चेंज होगा डिज़ाइन वॉल का design, <coughs> अब यहाँ एक एक करके इसके पार्ट्स की बात करते हैं ऊपर के मैंने बता दिया आपको यहां पे ये जो है ये आप देख रहे हैं दिस इसको बोलेंगे गाइड स्लीव गाइड स्लीव ये जो है ये एडजस्टिंग नट है गाइड स्लीव का एडजस्टिंग नट ये जो है ये वेंट है सॉरी ये वेंट नहीं है ये एडजस्टिंग होल है एडजस्टिंग होल है यहां पे ये जो आप देख रहे हैं दिस थिंग ये हमारी सेम है सेम हमारी वॉल लिड है वॉल लिड ये हमारी सीट है वॉल सीट एंड यहाँ पे ये जो है ये है हमें हम इसको बोलेंगे ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं ये सिर्फ यहीं पर है ये थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन नहीं है राउंड नहीं है बस यहाँ पे है ये इसको हम बोलेंगे लग्स ये दो होते हैं एक इस तरफ होता है एक इस तरफ होता है आप इसको पूरा राउंड ना समझे इसलिए मैंने एक तरफ बनाया है लग्स ये स्टीम इनलेट है स्टीम इन दिस इज स्टीम आउट ठीक है एंड वॉल लिड के ऊपर का एरिया का जो वेंट है डैट इज हेयर ओके इतना हम समझ गए हैं अब पार्ट्स के बारे में अब बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में एंड ये काम कैसे करता है सो so, <coughs> यहाँ पे ये जो गाइडेड स्लीव है ये एक टाइप की स्लीव है जो यहाँ पे स्क्रू की गई है एंड इसको अगर आप स्लीव को घुमाओगे तो ये ऊपर नीचे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं दिस इज द स्लीव जो कि ऊपर नीचे मूव कर सकती है इसके अंदर जो है ये है हमारा वॉल्व लिड इसके जो सेंटर में है ये ये है स्टेम, ओके एंड दिस इज सीट अब ये जो गाइड स्लीव है इसको अगर मैं घुमाऊंगा तो इसको हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं अब ये पूरा नीचे ना मूव करे तो इसके लिए एक स्टॉपर लगाया गया है ताकि ये अगर इससे टच हो गया तो ये स्टीम आउटलेट को ब्लॉक कर देगा तो कोई गलती से इसको पूरा बंद ना कर उसके लिए लक्स दिए गए हैं ओके तो लक्स इसको यहां तक पहुंचा के रोक देगा इससे ज्यादा आप नीचे नहीं कर पाओगे इसको अब ये काम कैसे करता है यहां से स्टीम इन है स्टीम जो है वो इस एरिया के ऊपर एक्ट करेगी एंड ये वॉल ओपन होगा और वॉल ओपन होगा जो तो स्टीम है वो यहां से स्केप करेगी ओके फ्रॉम हेयर द स्टीम विल स्केप नाव अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो वॉल लेड है ये गाइड स्लीव के अंदर ही मूव करेगी ये थोड़ा सा लिफ्ट होगा तो यहाँ पर जो है कि बहुत सारी रिएक्शन फोर्स डेवलप होगी बिकॉज़ ये बहुत क्लोज एरिया है एंड यहाँ से स्टीब बहुत विलोसिटी के साथ बाहर आ रही है तो ये सबसे पहले यहाँ एक्ट करेगी साइड में देख रही है जाने की जगह नहीं है तो रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा जिसकी वजह से ये जो वॉल है वन बाय फोर ऑफ डी फुल ओपन होगा ओके एंड यहां पे एक टर्म आती है जो मैं आपको पहले बताना भूल गया था डैट इज ब्लोडाउन ब्लोडाउन इज अ टर्म की वॉल कब ओपन हुआ है और कब शट हुआ है ओके okay? उसके बीच के पीरियड को बोलते हैं ब्लोडाउन अगर वॉल मान लो टेन बार पे ओपन हो रहा है एंड नाइन बार पे शट हो रहा है तो ब्लो डाउन इज ऑफ वन बार अगर वॉल जो है वो दस बार पे खुल रहा है एंड पाँच बार पे बंद हो रहा है तो ब्लो डाउन इज़ फाइव बार हम ब्लो डाउन बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टीम इसकेप कर जाएगी डैट इज़ नॉट गुड हमारी स्टीम वेस्ट हो रही है एंड बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रख सकते टू अवॉइड शैटरिंग इफेक्ट और फैदरिंग इफेक्ट भी बोलते हैं इसको सो डैट इज बोथ आर सेम ओके okay. अब यहाँ ब्लो ब्लोडाउन कंट्रोल करने के लिए क्या होता है ब्लोडाउन कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम गाइड स्लीव को ऊपर नीचे मूव करते हैं अगर वाइड गाइड स्लीव को मैं काफ़ी ऊपर मूव कर देता हूँ तो मेरा ब्लोडाउन जो है वो बहुत कम हो जाएगा अगर गाइड स्लीव को मैं बहुत नीचे मूव कर देता हूँ तो डाउन मेरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये काफ़ी कम प्रेशर पे भी रिएक्शन फोर्सेस को ज़्यादा मिलेगी एंड ये ओपन ही रहेगा सो दिस इज़ हाउ वी कैन एडजस्ट द ब्लो डाउन एंड ब्लो डाउन एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एडजस्टिंग नट दिया गया है इसको आप खोलो या एडजस्टिंग होल है यहाँ से आप स्क्रू ड्राइवर या कुछ भी रॉड डालो एंड आप मूव करो आपके मैनुअल के अंदर जो भी बॉयलर की मैनुअल होगी इसके रिगार्डिंग चार्ट दिया रहेगा कि आप कितने टर्न आप इसको मूव करोगे और कितना ब्लो डाउन आपको मिलेगा तो वो आपको वहाँ से टैली करना पड़ेगा ब्लो डाउन करने से पहले तो आप एडजस्टिंग होल्स करूडा ड्राइवर डाल के आप इसको घुमा सकते हो एंड ये ऊपर नीचे मूव करेगी सो दिस इज ऑल अबाउट द फुल लिफ्ट सेफ्टी वॉल नो लेट्स गेट इन टू द अनदर टाइप ऑफ सेफ्टी वॉल डेट इज कंसोलीट टाइप फुल लिफ्ट सेफ्टी वॉल एज डिस्क अर्लियर द अपर पार्ट विल गोइंग टू बी रिमेन सेम एंड ये सब कुछ सेम है जो चेंज हो रहा है यहाँ पे फर्स्ट मैं पार्ट्स के नाम मेंशन कर देता हूं ओके okay. <coughs> यहां पे ये जो है दिस इज फिक्स्ड स्लीव जो हमारा फुल लिफ्ट था उसमें ये स्लीव ऊपर नीचे मूव कर सकती थी बट यहां पे ये जो स्लीव है ये फिक्स रहेगी ये हमारा है बूस्ट सिलेंडर बूस्ट सिलेंडर ओके okay. ये है हमारा वॉल लेट वॉल लेट यहाँ पे ये छोटी सी ओपनिंग देख रहे हैं जो कि बूस्ट सिलेंडर के अंदर जा रही है इस ओपनिंग को बोलते हैं ब्लीड पैसेज ब्लीड पैसेज ओके okay, ये हमारी है सीट दिस इज आवर ब्लोडाउन रिंग ब्लोडाउन रिंग यही ब्लोडाउन रिंग है जो यहां पे डिफरेंट है ओके सो ब्लोडाउन रिंग दिस इज एडजस्टिंग स्क्रू स्क्रू Okay.